साथियों, आज आपके एक तरफ देश हित के लिए समर्पित बीजेपी एनडीए इसका गठबंधन है और दूसरी तरफ देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए इंडी गठबंधन मैदान में है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। यहां जो बबुआ जी है, बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी सहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में, अरे बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। इंडी गठबंधन की एक और पार्टी ने दूसरी को कह दिया है, खबरदार जो हमारे खिलाफ पंजाब में बोला, पीएम पद को लेकर भी सबके सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी सहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमां बह गए। अब आप बताइए, आप सब लोग इतने तेज तरार है कि सारी बात इशारों में समझ लेते हो। अब आप बताइए, इस उठपटांग खिचड़ी को आप लोग वोट देकर अपना वोट बर्बाद करोगे क्या? कोई भी अपना वोट बर्बाद करना चाहेगा क्या? अच्छा होगा यहां बाराबंकी में, मोहनलालगंज में भाजपा का सांसद हो, भाजपा सांसद आपके लिए दिल्ली से ज्यादा
योजनाएं लेकर आएंगे, भाजपा सांसद यहां के विकास के लिए ज्यादा काम करेंगे और ये इंडी गठबंधन वाले अगर वो सांसद बनता है तो उसके पास क्या काम होगा, उसकी पार्टी उसको क्या काम देगी, उसका यही एक मापदंड होगा कि तुमने मोदी को एक दिन में कितनी गालियां दी, तुमने मोदी को कितनी बड़ी गाली दी, क्या तुम्हारी गाली में कोई ताकत थी क्या ताकि मोदी परेशान हो जाए। अगर आपने इंडी गठबंधन के सांसद को चुना तो उसको यही काम होगा, सुबह उठो मोदी को गाली दो, दोपहर में दो गाली दो, शाम को चार से और डाल दो और फिर सो जाओ। आप मुझे बताइए भाई, आपको अपने घर में अगर किसी सहायक की जरूरत पड़ती हो, आपके दुकान में आपके व्यापार में, तो आप उसको लेंगे और कहेंगे भाई ये 10 काम करने हैं तुमको, तुम्हें इतना तनख्वाह मिलेगा, मेरे ये काम तुझे पूरे करने हैं। कोई ऐसा आदमी रखेगा कि भाई तुमको मेरी दुकान के बाहर खड़े रहना है और सामने वाले को बस गाली देते रहना है, इसके लिए कोई तनख्वाह देगा क्या, इसके लिए कोई किसी को रखेगा क्या, कोई समझदार आदमी ऐसा करेगा क्या? क्या गाली देने के लिए हम किसी को रखते हैं क्या? तो गाली देने वालों की जरूरत क्या है भाई? आपको तो काम करने वाले सांसद चाहिए, आपका भला करने वाले सांसद चाहिए। 5 साल मोदी को गाली देने वाले नहीं, क्षेत्र का विकास करने वाले सांसद चाहिए और इसके लिए आपके पास एक ही विकल्प है, ओनली कमल। और इसलिए बाराबंकी से बहन राजरानी रावत जी और मोहनलालगंज से भाई कौशल किशोर जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। साथियों, जब देश में दमदार सरकार होती है तो फर्क भी साफ साफ दिखता है। कमजोर सरकार का क्या है, आज है कल नहीं है। कमजोर सरकार का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि किसी तरह उनकी गाड़ी चलती रहे, समय पूरा हो जाए। आप मुझे बताइए, यहां नौजवान भी है किसान भी है तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आप मुझे बताइए, 100 सीसी के इंजन से, 100 सीसी के इंजन से आप 1000 सीसी की रफ्तार ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? आपको विकास की तेज रफ्तार चाहिए तो वो सिर्फ दमदार सरकार ही दे सकती है, बीजेपी सरकार ही दे सकती है। साथियों, भाजपा की दमदार सरकार का मतलब क्या होता है, ये हमारा अवध बेहतर जानता है, उससे भला अच्छा और कौन जान सकता है। यहां बाराबंकी से लोग
राम नाम वाली ईंट लेकर अयोध्या के लिए पैदल निकले थे। जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, जो युवा है, उन्हें पता ही नहीं होगा 500 साल के इंतजार के बाद, 500 साल का इंतजार, ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे, त्याग की पराकाष्ठा करते रहे। 500 साल के बाद, और वो दिन याद कीजिए, लोग जब हमारे रामलला को टेंट में देखते थे, उनके आंसू नहीं सूखते थे, और लोग सरकार को जितनी भद्दी भाषा में गालियां दे सके देते थे। लेकिन आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए कि नहीं हुए? किसके कारण, किसके कारण, किसके कारण, किसके कारण? अरे भाई, मोदी मोदी मत करो, ये तो आपके एक वोट के कारण हुआ है, ये आपके वोट की ताकत है जिसने एक दमदार सरकार बनाई, एक मजबूत सरकार बनाई, और आपका 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ। आपका वोट 500 साल का इंतजार खत्म कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबा के आगे भी ये दमदार सरकार बनानी है और दमदार फैसले भी लेने हैं। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले क्या कह रहे हैं? पहले इन्होंने रामलला को टेंट में पहुंचाया, फिर वोट अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगह कोई धर्मशाला बना दो, कोई स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर भरा पड़ा है, इतना जहर पड़ा पड़ा है, पता नहीं उनकी राम से क्या दुश्मनी है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। सपा कांग्रेस वाले, जब मैं ये कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं, कुछ लोगों ने, यार ऐसा तो कैसे हो सकता है,
भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति क्या, नहीं नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते होते हैं, हो गए कि नहीं हो गए, इन्होंने कर दिया कि न कर दिया, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है, इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। साथियों, ये चुनावी सभा के लिए मैं कहने के लिए नहीं आया हूं, मुझे चिंता है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, यही इनकी साजिश है। आप ऐसे लोगों को अगर आप वोट दे सकते हैं क्या, ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं क्या? साथियों, ऐसे लोगों तो वोट तो छोड़िए, ऐसी सजा करनी चाहिए, ऐसी सजा करनी चाहिए उनकी जमानत जब्त हो जाए। साथियों, सपा कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक से बड़ा कुछ नहीं है, और जब मैं इनकी पोल खोलता हूं तो ये बेचैन हो जाते हैं, नींद हराम हो जाती है, लेकिन फिर क्या करते हैं, जैसे बहुत बुखार चढ़ जाए ना तो वो आदमी कुछ भी बोलता है, ये भी कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसी गालियां देते हैं। आप मुझे बताइए, बाबा साहब आंबेडकर जब संविधान बन रहा था तब धर्म के आधार पर आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी थे। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा ये संविधान सभा ने निर्णय किया था, और सोच विचार करके किया था। अरे इतने ही नहीं, इनके पर नाना ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। लेकिन 10 साल पहले यहां यूपी में इन लोगों ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की थी, और कर्नाटका में तो कर दिया, कर्नाटका को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बनाया है। इन्होंने कर्नाटका में क्या किया, जितने मुसलमान थे उन सब मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना दिया, थप्पा मार दिया, कागज निकाल दिया। अब जो ओबीसी को आरक्षण मिला था उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ये लूट करके चले गए, और लोग वहां हाथ घिसते रह गए। क्या यहां आपका आरक्षण कोई लूट जाए आपको मंजूर है क्या? क्या आरक्षण लूटने देंगे क्या? क्या ओबीसी का हक छीनने देंगे क्या? क्या एससी का हक छीनने देंगे क्या? एसटी का हक छीनने देंगे क्या? अरे बाबा साहब आंबेडकर ने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और बिहार के इनके चारा घोटाले के जो चैंपियन है ना, अदालत ने जिनको सजा फरमाई है, अभी जेल से तबीयत के बहाने बाहर घूम रहे हैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं
कि पूरा का पूरा आरक्षण अब मुसलमान को मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए, इसका मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी, इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं भाई। मैं आपकी रक्षा करने के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए 400 पार मांगता हूं आपसे। कांग्रेस के शहजादे कहते हैं, ये नया ले आए भाई, वो कहते हैं कि आपकी कमाई का एक्सरे करेंगे, मतलब आपका लॉकर में क्या है, आपकी जमीन कितनी है, गहने कितने हैं, सोना कितना, चांदी कितनी, आपके मंगलसूत्र कहाँ है। वो लूट चलाना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं कि आपके पास जो है आपसे लेकर के जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा, मतलब जो वोट जिहाद करेगा उनको दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सपा कांग्रेस तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुकी है और मोदी जब इनकी सच्चाई देश को बता रहा है तो वो क्या कह करते हैं। और ये लंबे समय से उनकी इकोसिस्टम है, उनके बेईमानी को अगर आप बेनकाब कर दो, उनकी घोर सांप्रदायिकता को बेनकाब कर दो, उनकी वोट बैंक की राजनीति को बेनकाब कर दो, दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाली उनकी सोच को बेनकाब कर दो, तो कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान करता है। अरे मोदी तो बोलना पड़ता है तुम्हारे पापों का ये पूरा इतिहास देश को बताने के लिए। साथियों, ये लोग संविधान विरोधी है, ये दलित और पिछड़े विरोधी है। मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया, इससे जम्मू कश्मीर में भी संविधान लागू हुआ, वहां दलितों को भी उनके अधिकार मिले। वो दो दिन पहले ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है। बड़ी खुशी खुशी मना करके वो कागज लेकर के फोटो निकलवा रहे हैं। ऐसे गरीब लोग निराधार पड़े थे देश में, कोई उनकी पूछने वाला नहीं था जी। इसके जो लाभार्थी है उनमें ज्यादातर मेरे दलित भाई बहन है, मेरे पिछड़ी समाज के भाई बहन है। सपा कांग्रेस के लोग इसका भी विरोध करते हैं। सपा के लोगों ने यूपी में दलितों के साथ कितना अन्याय किया है ये बच्चा बच्चा जानता है। जो मोदी देश के संविधान को सशक्त कर रहा है उसको लेकर अफवाहें फैलाते हैं। संस्कार देखिए साथियों, भाजपा सरकार बाराबंकी के किसान राम शरण वर्मा जी को बड़े गर्व के साथ पद्म पुरस्कार देती है, पद्म सम्मान देती है। कृषि में उनके योगदान को नमन करती है। और ये कांग्रेस ही बेनी बाबू जैसे वरिष्ठ नेता का डगर डगर अपमान करते हैं और ये देखकर भी सपा के शहजादे चुप रहते हैं। वो बेनी बाबू जिन्होंने देश और समाज की सेवा में पूरा जीवन खपा दिया, उनको इस तरह अपमानित किया है कांग्रेस सपा ने। साथियों, भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इस पवित्र मंत्र पर चलती है। मुफ्त अनाज हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, या सस्ता गैस का सिलेंडर हो, या नल से जल हो, ये बिना भेदभाव
सबको दिया जाता है। आपको याद है ना सपा के शासन में क्या होता था? अरे उस समय बिजली भी जो वोट जिहाद करेगा उसके लिए रिजर्व रहती थी, बाकियों को बिजली नहीं मिलती थी। और मैं आज एक और बात कह रहा हूं, जिस वोट बैंक के पीछे लोग भागते हैं, वोट बैंक की अब इनकी सच्चाई समझने लगे हैं। तीन तलाक कानून से खुश हमारी माताएं बहनें बीजेपी को लगातार आशीर्वाद दे रही है। भाई और बहनों, राम काज से आगे अब राष्ट्र काज का समय है। राम काज की प्रेरणा राष्ट्र काज के लिए है। यहां मैथा की खेती बहुत होती है, ऐसी हर कृषि उपज से जुड़े प्रोसेसिंग उद्योग के लिए यहां अनंत संभावना है। बाराबंकी मोहनलालगंज के छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी करीब करीब 1,600 करोड़ रुपए मिले। यहां का गमछा मुझे भी भेंट दिया गया, अब ये गमछा बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। और हमारे योगी जी ने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मिशन चलाया ना, आज मैं भी दुनिया में कहीं जाता हूं तो मैं गिफ्ट क्या लेके जाऊंगा, मुझे दिमाग नहीं खपाना पड़ता है। मुझे लखनऊ में यूपी सरकार की वेबसाइट पे जाता हूं, योगी जी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देख लेता हूं और मैं कहता हूं भाई चलिए ये 6-7 चीजें ले लो, वहां दे देंगे लोगों को। योगी जी की सरकार ने जिस प्रकार इसको जीआई टैग दिया, इसकी प्रसिद्धि की है। साथियों आप तो जानते हैं मैं 2014 से काम में लगा हूं, स्वच्छता अभियान सफाई कर रहा हूं। देश साफ सुथरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्वच्छता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी भी सफाई कर रहे हैं, वो भी सफाई होनी चाहिए ना। दुर्गंध आती है तो नींद आती है क्या? तो दुर्गंध हटानी पड़ती है ना। तो योगी जी वो काम भी बड़े अच्छा कर रहे हैं। और ये सफाई होने के कारण अब उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है, लोग विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे के लिए रुपये लगाने के लिए तैयार हुए हैं। साथियों जहां जहां राम के निशान है उन क्षेत्रों को रामायण सर्किट के तहत विकसित बनाने की योजना। यहां तो सत्रिक आश्रम है जहां राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा हुई थी, महादेव कॉरिडोर के विकास का काम भी चल रहा है। ऐसे विकास कार्य हमारी विरासत को भी सशक्त करेंगे और पर्यटन उद्योगों से युवाओं को नए अवसर भी देंगे। साथियों विकास और विरासत, ये विकसित भारत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद मांगता है। आपको भारी मतदान करना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए निकलेंगे। सुबह 10 बजे से पहले मतदान होगा, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर, पहले मतदान फिर। अब आप ऐसा तो नहीं होगा ना जलपान याद रखोगे और मतदान भूल जाओगे, ऐसा नहीं होगा ना। अच्छा पोलिंग बूथ जीतोगे? सभी पोलिंग बूथ जीतोगे? पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे? अच्छा मेरा एक काम करोगे? मेरा एक काम करोगे? क्या कमाल हो यार, ठंडे हो जाते हो, जरा हाथ ऊपर करके बताइए मेरा काम करोगे क्या? ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा पर्सनल काम है, करोगे? पक्का करोगे? अच्छा घर घर जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइएगा, परिवार में हर बुजुर्ग परिवार के मुखिया के साथ बैठिएगा, उनको कहिएगा मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है।
मेरा राम राम पहुंचा देंगे, हर घर में पहुंचा देंगे।